गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल गेम भी ज्योति। तो मैं हूँ ज्योति और आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपकी हाइट कम है या आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो आप कैसे आउटफिट बनवाएं या कैसे सूट को सिलवाएं जिससे कि आपकी जो हाइट है वो ज़्यादा दिखे। गाइस, हम अपनी हाइट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, पर हम अपने आउटफिट में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो हाइट है वो ज़्यादा दिखेगी और हमारा जो आउटफिट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिखेगा और बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा हमारी बॉडी पे। तो अगर वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल गेम भी ज्योति, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सलवार सूट की, कि जो लोग कुर्तियों के साथ में सलवार पहनते हैं वो कैसी कुर्तियाँ सिलवाएं। तो अगर आप जैसे पटियाला पहन रहे हो या फिर सलवार पहन रहे हो तो ऐसे में आप जो अपनी कुर्तियों की लेंथ है उसे नी के ऊपर रखें, जिससे क्या होगा कि आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा दिखेगी। अगर आप कुर्तियों को नी के नीचे लॉन्ग कुर्ती पहनते हैं सलवार के साथ में तो उससे क्या होता है आपके पैर विजिबल नहीं होते और आपकी हाइट जो है वो थोड़ी सा कम लगने लगती है। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी सलवार या फिर पटियाला ऐसे सूट को सिलवाएं तो उसमें आप कुर्तियों को अपने नी के ऊपर तक रखें। एंड इसके नेक में आप वी नेक बनवा सकते हो, ऐसे आप स्वीटहार्ट नेक बनवा सकते हो। स्लीव्स को आप छोटी कभी ना रखें, जैसे कि यहाँ तक की स्लीव्स आप ना रखें, या तो आप यहाँ एल्बो तक की स्लीव्स रख लें या फिर फुल स्लीव्स रख लें, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी जो लॉन्ग स्लीव्स होती है उससे भी एक इल्यूजन क्रिएट होता है जिससे आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा दिखती है। अगर आप जैसे शॉर्ट कुर्ती ना पहनना चाहें, आपको लॉन्ग कुर्ती पहनना पसंद है, तो उसके नीचे आप कोशिश करें कि आप पैंट पहन सकते हैं, प्लाजोज पहन सकते हैं, और पैंट और प्लाजो की जो लेंथ होती है ना उसे बहुत ज़्यादा ना रखें। जैसे उसे कोशिश करें कि आप एंकल लेंथ तक रखें या फिर उसे आप कुर्ती के बराबर की लेंथ में रखें, इससे क्या होता है ना काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिखता है, आपके पैर भी विजिबल हो जाते हैं और कुर्ती भी लंबी हो जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिखता है और बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं होता। जैसे सलवार में बहुत ज़्यादा फैब्रिक होता है, पैंट और प्लाजो में उतना ज़्यादा फैब्रिक नहीं होता है, जो स्ट्रेट पैंट होती हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी हाइट इसमें ज़्यादा दिखती है। तो अगर आप लॉन्ग कुर्ती पहनना चाहती हैं तो आप उसके साथ में एंकल लेंथ प्लाजो या पैंट बनवा लें या फिर आप कुर्ती की बराबर का ही प्लाजो और पैंट बनवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शरारा की। आजकल शरारा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आपको बहुत सारे आउटफिट में शरारा देखने को मिल जाता है और शरारे में ना बहुत सारी वैरायटीज़ होती है कि आप उसे कैसे बनवा रहे हैं। जैसे आप गैदर करके बनवा रहे हैं, प्लीट्स करके बनवा रहे हैं या फिर बायस में बनवा रहे हैं, अम्ब्रेला कट में बनवा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बायस कट में शरारे होते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये जो मेरा ब्लू कलर का शरारा है ये बायस में कटा हुआ है, तो इसमें अगर आप बायस में कटवाते हो तो इससे आपका जो पैर है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा दिखता है और आपकी हाइट भी ज़्यादा दिखती है। तो आप जब भी शरारा बनवाएं तो आप उसमें कोशिश करें कि आप गैदर वाले या फिर प्लीट वाले ये सारे शरारा ना बनवा के आप इस तरीके के बायस में कट करके बनवाएं, इससे आपका पैर भी पतला दिखेगा और जो ये उनके लिए भी अच्छा है जिनकी बॉडी प्लस साइज में है, जिनके पैर काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एक पैर को अपने एक स्लिम और अच्छा लुक देने के लिए। इसमें शरारा की लेंथ आप एंकल तक भी रख सकती हैं, लॉन्ग भी रख सकती हैं, ऐसे हील्स वगैरह के साथ में कैरी कर सकते हैं, बहुत स्टाइलिश एंड बहुत ही अमेजिंग लगेगा। एंड साथ में इसकी कुर्ती जो है वो आप जहाँ से शरारे का फ्लेयर शुरू होता है उससे थोड़ा सा ऊपर रखें, यानी कि उसके नीचे बिल्कुल ना रखें। जैसे कि आपके शरारे का लेंथ शुरू हो रहा है उसके एक दो इंच नीचे से आपकी कुर्ती की लेंथ ख़त्म हो रही है, ऐसा बिल्कुल ना करें। आपकी कुर्ती की लेंथ जहाँ ख़त्म हो रही है उससे एक दो इंच नीचे ही शरारे का जो फ्लेयर है वो स्टार्ट हो रहाना चाहिए। आप कुछ इस तरीके से सिलवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और आपकी हाइट जो वो ज़्यादा दिखेगी और बहुत ही अमेजिंग लुक हो जाएगा आपका। इसके अलावा आप अनारकली सूट भी पहन सकते हो, अम्ब्रेला सूट भी पहन सकते हो। आप गैदर वाले सूट को थोड़ा सा अवॉइड कर दें क्योंकि उसमें ऐसा मतलब इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, जैसे आपका जो वेस्ट का एरिया काफ़ी ज़्यादा दिखता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैब्रिक हो जाते हैं, तो इससे भी आपकी हाइट थोड़ी कम दिखती है। तो आप कोशिश करें कि आप जैसे अभी मैंने पहना हुआ है आप देख सकते हो कुछ ऐसा बायस में आप ऐसा करवा सकते हो। इससे क्या होता है कि इससे ऊपर का जो एरिया है वो बिल्कुल पतला होकर नीचे से बहुत ज़्यादा फ्लेयर ऐड हो जाता है, तो इससे आपकी हाइट जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा दिखती है। तो आप कुर्तियों में शॉर्ट पहने या फिर लॉन्ग पहने, अनारकली पहने, तो आप इसमें कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गैदर्ड और ये प्लीट्स वगैरह ना डलवाएं, आप बिल्कुल बायस में या फिर कलियों में कटवा सकते हैं जिससे आपका जो हाइट है वो ज़्यादा दिखेगी और आपका आउटफिट जो है बहुत ही अमेजिंग दिखेगा।
अभी बात कर लेते हैं प्रिंट्स की। तो प्रिंट्स में आप देखें कि बड़े बड़े प्रिंट्स ना पहने, थोड़ा छोटे छोटे प्रिंट पहने जिससे कि आपकी हाइट ज़्यादा दिखती है। बड़े बड़े प्रिंट्स में ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड दिखने लगता है सारी चीज़ें, तो उसमें हाइट भी कम दिखती है और आपका प्लस साइज़ है तो और ज़्यादा ही दिखने लगता है। तो आप कोशिश करें बहुत बड़े प्रिंट ना लें, मीडियम प्रिंट ले सकते हैं, छोटे प्रिंट ले सकते हैं। इसके अलावा आप लाइन्स भी ले सकते हो, लाइन्स में आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी दिखती है। तो आप लाइन्स में आप देख लें कि आप वर्टिकल लाइन को चूज़ करें, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप अपने आउटफिट में प्रिंसेस लाइन भी बनवा सकते हैं या फिर साइड में लाइन दे सकते हैं, जैसे कि आपकी यहाँ से पूरी जो कुर्ती का एरिया होता है वहाँ पर आप कोई लेस या फिर कोई लाइंस या फिर कोई आउटफिट की पट्टी लगवा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि एक लाइन क्रिएट हो जाती है और आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा दिखती है। तो आप इसमें प्रिंसेस लाइन भी करवा सकते हैं। प्रिंसेस लाइन आपकी आर्मोल से भी होती है या शोल्डर से भी होती है, तो आप प्रिंसेस लाइन में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, आप उसे भी बनवा सकते हो पूरा नीचे तक अपनी कुर्ती में। उसके अलावा आप साइड में भी कुछ लाइंस दे सकते हो। एंड इन सब के साथ में आप अपने नेक को थोड़ा डीप भी कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट नेक जो होता है उससे आपका नेक का एरिया जो है वो थोड़ा शॉर्ट दिखने लगता है, तो आपकी हाइट भी थोड़ी कम लगती है। अगर आपका नेक थोड़ा डीप होगा, जैसे वी शेप में होता है, स्वीट आर्ट में होता है, तो इनमें आपका जो नेक का एरिया होता है ना वो ज़्यादा दिखता है, तो आपकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा दिखती है। अब बात करते हैं जो घेर वाले प्लाजो होते हैं, जो अम्ब्रेला कट पे होते हैं, बहुत ही फ्लेयर वाले प्लाजो होते हैं। तो अगर आपको फ्लेयर वाले प्लाजो पहनना है तो आप इसमें कोशिश कर लें कि आपका जो प्लाजो की लेंथ है ना वो बहुत बड़ी ना हो, जैसे कि नीचे तक की ना हो, वो एंकल पे ही ख़त्म हो जाती हो या फिर आपकी कुर्तियों के बराबर हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी हाइट इसमें भी ज़्यादा लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग शरारा या फिर प्लाजो पहन लेते हैं, जैसे कि जो फ्लेयर वाले होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक ऐड हो जाता है और आपकी हाइट ना थोड़ी कम लगने लगती है। तो आप कोशिश करें कि आप एंकल लेंथ ही ऐसी प्लाजोस को स्टाइल करें। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल गेम भी ज्योति। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।